इस ये जो घटना हुआ है झारखंड में, बीजेपी का एक नेता उनके घर से एक ट्राइबल औरत को मिला गया है जिनको टॉर्चर किया गया था, इस पे सस्पेंशन के अलावा और कोई कार्रवाई करना चाहिए? नहीं, इनको अविलंब पार्टी से निष्कासित करके और कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवर जी, ये हुआ कैसे है कि एक बीजेपी का नेता इस हद तक ऐसे ऐसे अपराध कर पाए? नहीं देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, देखिए कोई भी कानून से कोई ऊपर नहीं है। अगर कोई गलत किया, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी और रघुवर जी, हम विमेन्स राइट्स के बारे में इंडिया में बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात करते हैं, और जब इस टाइप का सिचुएशन होता है, एक बीजेपी का नेता आता है, तो एक डबल स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी एक कार्यकर्ता की गलती से भारतीय जनता पार्टी के नीति और सोच को आप तरफ न देखें। भारतीय जनता पार्टी आज भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं देश दुनिया में भारत की बेटियां, चाहे वो एडुकेशन सेक्टर में हो, खेल के सेक्टर में हो, एयरफोर्स के सेक्टर में हो, चाहे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो, आज हमारी बेटियां नाम रोशन कर रही है। बेटियां हमारे देश की गौरव, इसी एक घटना से पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।